नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर छतरपुर शहर की, जहां पर 30 सितंबर को भोपाल में सपाक्स का एक महासम्मेलन होने जा रहा है और इसी कड़ी में सपाक्स के छतरपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आमंत्रण पत्र बांटे ताकि महासम्मेलन में शामिल होने के लिए छतरपुर से भी लोग जाएं। और एक जन जागरूक रैली के हिसाब से एक मान्य तौर पर अगर देखा जाए तो एक पूरे मुख्य मार्गों से होते हुए रैली भी निकाली। आपको बता दें 30 सितंबर को भोपाल में सपाक्स का महासम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो इसके लिए आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। सपाक्स समाज के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह बुंदेला की अगुवाई में बाजार में पंपलेट्स बांटकर लोगों से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर संगठन के आह्वान को मजबूत करें। युवा इकाई की अध्यक्ष हृदेश मिश्रा, सपाक्स अध्यक्ष डॉक्टर वीपी चंसौरिया, पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस गोस्वामी, संभाग प्रभारी राहुल मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, पंकज सैनी, कुलदीप सिंह, धीरेन्द्र गुप्ता, छत्रसाल सिंह, नरेंद्र पटेल, हरेंद्र पटेल, शीलू पाल सहित तमाम लोग शामिल रहे। हमारा जो सपाक्स समाज संगठन है ये सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोधी है, क्योंकि इन पार्टियों ने पिछले 70 सालों में देश को सर वर्ग संघर्ष के दौर में लाकर के खड़ा कर दिया है, जिससे देश में गृह युद्ध की स्थितियां बन गई। तीसरे विकल्प के रूप में सपाक्स सामने खड़ा हो रहा है और 30 सितंबर को भोपाल में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है हमारे संरक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। उसी संदर्भ में आज हमने रैली निकाली और पूरे शहर में लोगों को जागरूक किया, उनको बताया कि ये कार्यक्रम है, ये जो सपाक्स है ये सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोगों का एक समूह है, ये कोई संस्था नहीं है कि इसके कोई नेता हैं या हैं, जो भी है पूरा समाज आज की तारीख में पिछड़ा अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग में ही आता है। और वर्ग वर्ग में जो विध्वंस पैदा हो रहा है आज की स्थितियों में, आप देख रहे होंगे कभी कोई रैली निकाल रहा है, कभी कोई रैली निकाल रहा है, देश गर्त की ओर जा रहा है। आदमी को लोगों को जन जन में जागरण के लिए हम लोगों का ये प्रयास है और मैं आपके द्वारा सभी से अपील करता हूँ 30 तारीख को भोपाल पहुँचकर इस आयोजन को सफल बनाएं। नमस्कार, जनमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। हर दिन आपको हम जनता से रूबरू कराते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या राय हैं, आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लोगों की राय हर दिन हमारे सामने निकलकर सामने आ रही हैं। आज जब हमारी टीम ने छतरपुर शहर के युवाओं से संपर्क साधा तब एक बड़ी चुनौती और मुद्दे की बात सामने निकल कर आई, जिसमें युवाओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों में टिकट उन्हीं को दी जाए जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति की छवि ना हो। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टी ऐसे लोगों को इस बार प्रत्याशी बनाए जो वास्तव में नेता हैं और जनहित में काम करें, ऐसे लोगों को नेता यानी टिकट ना दे जो बालू का काम करें या अपनी गुटबाजी में काम करें। गाँव से यही मानना है कि हमारे जो जितने भी पूरे जिले के महाविद्यालय हैं उनमें जो दो दो महीने के लिए प्राचार्यों का डेपुटेशन किया जाता है वो मध्य प्रदेश सरकार और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनको परमानेंट प्राचार्य उपलब्ध कराएं। यही चाहते हैं या इस बार सरकार किसी की बने, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या किसी अन्य दल की भी, लेकिन यहाँ पर ऐसे उद्योग स्थापित हो जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और जितनी उनकी शिक्षा है शिक्षा के आधार पर उनको काम मिल सके। अरे जो कुछ भी बोले थे तो उन्हें पूरा करें वे लोग, कौन नेता हो, हाँ सही बात है, जो भी है बस झूठा बोला, जो बोल रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं तो बढ़िया, अपन लोग दें वोट ना पर गए, यह तो नहीं कि वोट कछू और फिर दें कछू, जो कुछ बोले तो अपन लोग वोट दें। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मिश्रा, ये नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है ईशानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लू जोशी जब टीकमगढ़ के पास पचेर घाट में अपने किसी काम को लेकर वहां गया हुआ था, जब ही दीनदयाल नाम के एक युवक जिसके साथ उसका पुराना विवाद चल रहा था उस युवक ने उसको रोक करके उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद गंभीर रूप से घायल उसे तत्काल ही ईशानगर ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने की वजह से तत्काल ही उसे छतरपुर के जिला अस्पताल में लाया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हाथ पैर में उसकी चोटें आई हुई हैं जो कि गंभीर रूप से घायल है और ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। दीनदयाल टीकमगढ़ से आए थे, इसे शाम की दम दीनदयाल है कि लट्ठे मारे क्यों खपाई क्या मारे, हम मोटरसाइकिल उठावे जाए थे, लूट हो गए थे,
फिर इतना कैसी पुरानी रंजस्सी से लगती सुबह सुबह रात के देखते मौका आता है दीनदयाल पंडित पची को है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये राजनीति आज की इस खास खबर पर। यह खबर है खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत लखेरी गांव निवासी दीपक अहरवाल अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जा रहा था, तभी उसी दौरान सामने से आ रही टैक्सी ने ओवरटेक किया और ओवरटेक करने की वजह से एनओ के द्वारा बाइक को बचाने के चक्कर में ये पुलिया से जाकर बाइक भी टकरा गई और ये दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में तत्काल ही परिवार के लोगों को सूचना दी गई और तत्काल ही इन्हें जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा वार्ड में इन्हें भर्ती कर दिया गया है। ये दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं और नाबालिग दोनों बाइक सवार तेज रफ्तार में ही सड़क पर बाइक दौड़ा रहे थे। बाइक से हमने चलाया था, मेरे दोस्त चला रहे। अच्छा, फिर कैसे हो गया एक्सीडेंट? बाइक कहाँ जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ? घर पे आ रहे थे, टैक्सी आ गई थी तो मैंने टैक्सी वाले ने कट लिया। टैक्सी वाले ने कट मारा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। गढ़ी मल्हेरा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों में बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था न होने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर आक्रोश जताया और नारेबाजी की। गढ़ी मल्हेरा क्षेत्र के आधा दर्जन ग्रामों में सुचारू रूप से बिजली न पहुँचने से गुस्साए ग्रामीण बिजली दफ्तर पहुँचे और ग्रामीणों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए बताया, पिछले कई हफ्तों से हमारे ग्रामों में बिजली नहीं पहुंच रही है, जिससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उपयंत्री से कई बार बिजली की समस्या के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार कार्यालय शिकायत करने आए, उपयंत्री मुख्यालय पर नहीं मिले। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली व्यवस्था का सुधार नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे यहाँ की पूरे गाँव की लाइट की व्यवस्था खराब, इसलिए 4-5 दिन से लाइट खराब है हमारे यहाँ। एक फेस लाइट जाती है, बकाया 2 फेसों में लाइट ही नहीं जाती। बोल रहे हैं कि मतलब व्यवस्था कर दी जाएगी, आज कर दी जाएगी, कल कर दी जाएगी, बहाना बना दिया जाता है। गांव में तो नहीं है 5 दिन से, लेकिन उसके पहले से भी 8 दिन पहले से एक फेस जाता है, कुछ देर जाता है, आता है। इस वजह से हाँ, पानी नहीं मिल पाता पीने के लिए, बहुत समस्याएँ हैं। आटा की, आटा में चक्की अक्की वगैरह सब बंद है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। मेला जल विहार इस समय पूरे सवाब पर है। शाम को मां अन्नपूर्णा की महाआरती के बाद रात 10 बजे से मंचीय कार्यक्रम शुरू हुए। ऑर्केस्ट्रा के इस कार्यक्रम में सुबह 4 बजे तक दर्शक बैठे रहे और कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। मां अन्नपूर्णा मेला जल विहार समिति के महासचिव दिलीप सेन ने बताया कि शुक्रवार की शाम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता बॉबी राजा गठेरा ने की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुड्डू सिंह द्वारा मेला जल विहार समिति को 25,000 रुपए की घोषणा की गई। मेला जल विहार में नागपुर जबलपुर से आए ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। GTV पर प्रसारित लिटिल चैंप के नन्हे कलाकार द्वारा लोगों को आनंदित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का समिति द्वारा साल श्री पर से सम्मान भी किया गया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति ने बयान जारी कर CM शिवराज सिंह चौहान के 30 सितंबर को आगामी दौरे को लेकर यह बताया है कि
जिला अस्पताल के नए भवन एवं मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं किया गया तो यह समिति मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति आगे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगी। जनता के साथ मिलकर वह सड़कों पर प्रदर्शन करेगी और मेडिकल कॉलेज की मांग करेगी। मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के अरविंद गोस्वामी और राजू सरदार ने कहा कि प्रशासन द्वारा अभी तक अधिकृत जानकारी जारी नहीं की गई है, जिसमें यह कहा गया हो कि CM शिवराज सिंह चौहान 30 सितम्बर को जिला अस्पताल का उद्घाटन एवं मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। कल माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर छतरपुर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियली जानकारी जारी नहीं की गई है कि जो छतरपुर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है उसका शिलान्यास करेंगे या हॉस्पिटल जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन करेंगे। इसलिए मेडिकल संघर्ष समिति चाहती है कि इसकी अधिकृत घोषणा की जाए। कल अगर शिवराज सिंह चौहान जी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और हॉस्पिटल की बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं करते हैं तो मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति फिर रोडों पर उतरकर और पूरे आक्रोश के साथ जनता के साथ मिलकर फिर से दोबारा आंदोलन खड़ा करेगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में चल रही संभाग स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में के अंतिम दिन 4 स्पर्धाएं संपन्न कराएंगे, जिसमें स्पॉट पेंटिंग, एकल नृत्य, समूह नृत्य तथा कोलाज प्रतियोगिता संपन्न हुई। युवा उत्सव के तीसरे व अंतिम दिन 29 सितंबर को 4 स्पर्धाएं संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से डॉक्टर SK छारी के निर्देशन में स्पॉट पेंटिंग स्पर्धा चित्रकला विभाग में एवं 11 बजे से डॉक्टर अमिता अर्जरिया के संयोजन में एकल नृत्य तथा समूह नृत्य स्पर्धा शताब्दी हॉल प्रांगण में आयोजित की गई। 2 बजे कोलाज स्पर्धा डॉक्टर SK छारी की देखरेख में चित्रकला विभाग में संपन्न हुई। संभागीय युवा उत्सव का समापन समारोह मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री ललिता यादव के मुख्य आतिथ्य एवं कुलपति प्रोफेसर प्रियव्रत शुक्ल की अध्यक्षता में शाम 4:30 बजे शताब्दी हॉल परिसर में संपन्न हुआ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शुभेंद्र शुक्ला। महाराजपुर का स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों भगवान भरोसे चल रहा है। 11 बजे तक ना तो डॉक्टर दिखाई देते हैं और ना ही कर्मचारी। यही वजह है कि मरीजों को मजबूरन झोला छाप डॉक्टर्स से इलाज कराना पड़ता है। अव्यवस्थाओं के मद्देनजर शिवसैनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और यहां 8 बजे से लेकर 11 बजे तक डॉक्टर्स का इंतजार किया। उसके बाद जब डॉक्टर्स और कर्मचारी नहीं आए तब अस्पताल के दरवाजे पर ही बैठकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया गया। उसके बाद नायब तहसीलदार ने यहां का निरीक्षण भी किया तो पाया कि कई सारी खामियां हैं और डॉक्टर्स भी समय पर नहीं आते। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग शिवसेना ने की है। इसके अलावा 36,000 रुपये का बजट पेड़ लगाने के नाम पर निकाला गया है, ऐसा आरोप भी है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। यहाँ पे हम सभी शिवसैनिक इसलिए आए हैं कि यहाँ पे कई दिनों से ना तो यहाँ पे कोई भी मतलब डॉक्टर आ रहे हैं, ना यहाँ पे दवाई वितरित की जा रही है और ना ही यहाँ पे कर्मचारी टाइम पे आते हैं। आज 10 बज गए, 10:30 बज गए हैं और अभी तक कोई भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं आया है। मांग भी की है यहाँ पे कर्मचारी डेली आए और उस टाइम पे आवे और यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको उपचार मिल सके और साथ में जो मतलब यहाँ की पानी की जो व्यवस्था है वो कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे जो डिलीवरी होती है उसमें बच्चों को पैसे लिए जाते हैं जो कि फ्री है शासन द्वारा, फिर भी यहाँ पे रसीद काटी जाती है उनकी। व्यवस्थाएं में पहली बात तो कोई डॉक्टर नहीं है, 4 डॉक्टर की पोस्ट जेंट्स की है, 2 लेडीज की है। आज तक कोई यहाँ 2 साल से 3 साल से कोई भी डॉक्टर पदस्थ नहीं परमानेंट। जो भी आते हैं संबंधा वो अटैचमेंट आते हैं, वो अपने कोई जवाबदारी नहीं समझते है और सब लापरवाही चलती है। संस्था यहाँ व्यवस्था है, फील्ड में दवाई बांटने वाला कोई फार्मासिस्ट 4 की पोस्ट है उसमें 1 भी है और वो भी अभी समय छुट्टी पे
तो अवस्था है, 5-6 दिन से कोई दवाई नहीं मरीजों को मिल रही है। कारण इसके कई कारण हो जाते हैं, कहीं तो पेशी भी चला जाता हूँ, कई बार आज की पेशी थी आज नहीं आया, आज आना यहाँ जरूरी था, कल भी दवाई नहीं मिली, परसों दवाई नहीं मिली, क्योंकि दवाई बांटने वाला आदमी है नहीं। कहाँ पे? मुख्यालय में बनाने वाला है, क्योंकि यहाँ 20 का स्टाफ है, जिस केवल बचे 8। जिस बारे में मैंने सीओ साहब से फोन से बात करी, श्रीमान जी यहाँ फार्मासिस्टन दवाई बंटवाने का इंतजाम करी है, और फिर बीएमओ से बात करी, बीएमओ साहब बोले हो जाएगा, जबकि गड़ी मलारा में 4 फार्मासिस्टेंट है, लेकिन यहाँ एक भी नहीं है। एक था संजय कुमार चौरसिया, वो भी योजना से गायब है, कहा तो छुट्टी दे दो, हमने कि हम छुट्टी नहीं देंगे जब तक की कोई व्यवस्था नहीं हो जाएगी, वो चीज़ हमें बीएमओ के लाइन में लिख देगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बक्सवाहा में एक खेत में नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नरकंकाल एक शख्स को उस दौरान देखा जब वो खेत पर काम कर रहा था। ये खेत पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष का है। इस मामले में उस शख्स की जो पहचान हुई है, उसके परिजनों का ये कहना है कि जब उसके ये परिजन 15 दिन पहले यहाँ से गुमशुदा हो गए थे, तब वे लोग थाने पहुँचे और रिपोर्ट लिखानी चाही, लेकिन थाना प्रभारी ने रिपोर्ट नहीं लिखी और झिड़क कर भगा दिया। ये एक संगीन आरोप पुलिस के ऊपर लगाया गया है। बक्सवाहा मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर जामुन झीरी गांव स्थित वीरगढ़ हार में बक्सवाहा की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के खेत में नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बगरोदा निवासी नथु लोधी 55 वर्षीय के रूप में हुई है। खेत के मुखिया पवन गंधर्व द्वारा बताया गया है कि जब वो अपने खेत की कटाई कर रहे थे, तभी नरकंकाल खेत में पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और नरकंकाल की बाजू में पड़े कपड़े और जैकेट की तलाशी लेने में जैकेट में कियोस्क, बैंक की पासबुक, खेत की बंदी, समग्र आईडी और 2590 रुपए भी बरामद हुए। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके अलावा पुलिस पर रिपोर्ट न लिखने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मृतक के पुत्र का कहना है कि परिवार द्वारा 15 दिन से गायब मेरे पिता को 10 तारीख में रिपोर्ट लिखवाने जब गए, तो एसआई त्रिवेदी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई और धकियाकर भगा दिया गया। परिजनों ने घर वापस लौटकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई और हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद परिजनों को बुलाकर सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के निराकरण करने के लिए पुलिस द्वारा परिजनों को धमकाया भी गया और पुलिस द्वारा परिजनों से अभद्रता का व्यवहार किया गया। इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच होने के बाद जो भी पाया जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि जब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाही थी और खेत के पास एक साइकिल होने की बात भी कही थी, उसको भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और अब एक नरकंकाल मिला है। मामला है कि मेरे पिताजी का नाम जगह किसी ने अपने नाम करा लिए है, तो निकालने के लिए गए थे, 31 दशमलव जगह निकली है, तो पटवारी के पास गए थे, तो 2 बार से उन लोगों ने छेंका है मानने के लिए, और ऐसा होता रहा है। उसके बाद जब मेरी मम्मी यहाँ से साइकिल लेके जा रही थी, तो डांग में 3 आदमी बैठे थे, जिसका नाम झारू है, जो 2 को नहीं हम पहचानते हैं, तो 2 आदमी बोल रहे थे झारू से कि मैं उसको रोका है और वो हमको एड़ा है, तो हमने उसको 2 लट्ठ मारी। इसके डर से मेरी मम्मी घर को चली गई, क्योंकि ये देख लेंगे तो मेरे को भी मारेंगे। उसके बाद मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के गए, तो ये लिख दिया, तो उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं ली, तो बोलने लगे, एक बयान ले लिया, बोलने लगे, मैंने बोला उसको पावती दो, तो बोले कि बयान ले लिए, पावती नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर मैं घर भाग आई, तो फिर मैंने 181 कॉल किया, तो फिर थाने भाई कंप्लेन गई वहाँ से, तो पुलिस वालों ने मेरे भाई फ़ोन किया, तो मैंने बोले कहाँ हरी फोन बोला मनी साहब हरी सिंह बोल रहा हूँ, बोले कहाँ से बोल रहा है, मैं हरी बगुड़ा से बोल रहा हूँ, कह बोले अभी कहाँ हो, मैंने बोला साहब मंगरा में हूँ, कह लो आपने क्या समस्या आपकी जो अपने इस पे फ़ोन लगाया है, तो मैंने बोला साहब मेरा डाड़ी का मंगल 4 तारीख से लापता है, इसलिए, तो बोले गलत शब्द से बोलने लगे कि उठाओ कहाँ है इसको उठा के लाओ यहाँ पे, इतना बात हुए, मैं बोले कि तुम थाने आओ, तो मैं थाने गया। नरकंकाल की पहचान हो गई है, नथु सिंह पिता फद्दू सिंह लोधी, उम्र 56 वर्ष, निवासी बगरोदा। इनकी गुमने की रिपोर्ट गुमिंसान क्रमांक 38/18 बक्सवाहा में 11/9 को दर्ज हुआ था, जिसकी जांच जारी थी।
और चूंकि लाश 20-25 दिन पुरानी है, नरकंकाल के रूप में है, जो अभी तक वहाँ घटनास्थल पे देखा गया, उस कारण से मर्ग अभी कायम कर जांच में ले लिया है। वैज्ञानिक अधिकारी छतरपुर के न होने से दमोह से बुलाए गए हैं और उसके बाद नरकंकाल का CSC बक्सवाहा में परीक्षण के बाद PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। यदि मामला हत्या का होगा, हत्या का दर्ज किया जाएगा। यदि मामला आत्महत्या का होगा तो जांच में जो भी विषय आएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा लेकर छतरपुर आने वाले हैं। छतरपुर में उनके स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों से हैं, लेकिन कहीं पर विरोध के स्वर भी देखे जा सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहे युवा उत्सव में जब राज्य मंत्री मंच पर थीं, उसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 30 तारीख को ही विश्वविद्यालय के लिए भूमि पूजन शिलान्यास की मांग की गई है। गौरतलब है कि इसके पूर्व में कुछ ऐसी बातें चल रही थीं जिसमें ये सुनने में आया था कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ मेडिकल कॉलेज बल्कि विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे और नए जिला अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। लेकिन अब इन तीनों में से कोई भी बात उनके इस पूरी लिस्ट में या जो कार्यक्रम आया है उसमें नहीं है। इसी के मद्देनज़र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी दी है कि अगर कल भूमि पूजन नहीं होता है तो वे विरोध करेंगे और काले झंडे भी दिखा सकते हैं। मुझे लगता है राज्य को ज्ञापन दिया गया महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आशा कहा कि 30 सितंबर को उसका शिलान्यास करेंगे, लेकिन अभी बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी शिलान्यास नहीं कर रहे हैं कुछ कारणवश। इसके लिए विद्यार्थी परिषद द्वारा आज माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। निश्चित ही कलेक्टर शांतिपूर्ण तरीके से और ज्ञापन के माध्यम से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन सौंपेंगे। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिनभर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखते रहने के लिए बने रहिए पेप्टेक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।